This is dry leaf, and from dry leaf I am going to prepare compost. And आप देख सकते हैं ये कुछ सूखी पत्ती है, ठीक है, ऊपर पेड़ है, आप देख सकते हैं पेड़ से ये सूखी पत्ती नीचे आया है, ठीक है। तो इससे हम अभी कंपोस्ट बनाने का प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो आप देख अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा पानी लेंगे, ठीक है, पानी में हम पत्ती को भिगाएंगे, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये पॉलीथीन है, ठीक है, ये पॉलीथीन है, भीगी पत्ती को ये पॉलीथीन में हम डालेंगे, ठीक है। तो अभी हम इतना बड़ा पॉलीथीन आप ले सकते हैं उतना अच्छा है। अभी मैं सूखी पत्ती को मैं भिगा रहा हूँ पानी में। पानी थोड़ा आधा बाल्टी लेंगे आप, चार पांच मिनट तक भिगाना चाहिए। फिर इसको हम पॉलीथीन में डालेंगे, पॉलीथीन में हम भीगी पत्ती को डालेंगे। थोड़ा मैं ऊंचा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। तो ये आप देखते हैं भीगी पत्ती है, इसको हम पॉलीथीन में डालेंगे, ठीक है। पॉलीथीन में भीगी पत्ती को हम डालेंगे। ये आप देख सकते हैं बाल्टी में भीगी पत्ती है, ठीक है, इसको हम डालेंगे, पॉलीथीन में डालेंगे भीगी पत्ती को, पॉलीथीन में डालते जाएंगे। जितना बड़ा पॉलीथीन है उतना बढ़िया होगा। इसमें और भी आप डाल सकते हैं, मैं इतना ही। फिर इसको हम सील कर देंगे, इसको बांध देंगे, रस्सी से ये हो गया। जो एक्स्ट्रा पानी है आप निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा पानी। फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा छेद कर देंगे, एकदम दो चार छेद कर देंगे। ठीक है, अभी इसे हम रख देंगे, इसे एक जगह हम रख देंगे। ये मैंने जो बाल्टी दिखाया ये भीगी पत्ती है, भीगी पत्ती को मैं यहाँ डाल दिया हूँ। अभी चार पांच दिन बाद इसको हम खोल के देखेंगे। थैंक यू।